कमेरा अधिकार रैली में विपक्षियों पर जमकर बरसी पल्लवी पटेल। जहानाबाद विधानसभा के अमौली कस्बे में अपना दल कमेरावादी ने कमेरा अधिकार रैली का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी की सभी गठबंधन पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद बिशंबरलाल निषाद, सत्यात्मानंद गिरी इत्यादि रहे। कार्यक्रम का आयोजन अपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक मदन गोपाल वर्मा ने कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ अत्याचार किया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। बिशंबरनाथ निषाद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पीयूष जैन को समाजवादी बताकर अखिलेश यादव को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री काला धन लाने की बात कर रहे थे जो आज तक वापस नहीं आया है। सत्यात्मानंद गिरी ने जनता से अनुरोध किया कि समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आए, हमें आगे बढ़ करके उसे विजय दिलानी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पल्लवी पटेल ने कहा कि हमारे पिता ने कमेरा समाज के लोगों को सत्ता में पहुंचाने का सपना देखा। वे कहा करते थे, कमेरा लोगों, एक पैर खेत की मेड़ में रखो और एक पैर सत्ता में। जब आपका बेटा बेटी सत्ता में पहुंचेंगे तभी हमारा भला होगा। कृषि के काले कानून के विरोध में 750 किसानों ने अपना बलिदान दिया है। हमें मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजन पटेल, मदन गोपाल वर्मा, कुश वर्मा, राजन यादव, अजय यादव, अर्पित पटेल, संजय उमराव, विपिन पटेल, कमलेश वर्मा, अजय पटेल, कुलदीप सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वो ये कहना चाहते थे कि अगर हमको सत्ता में लाए तो किसानों को दोहरी मार दे देंगे। और दोहरी मार कैसे दी है समझ लीजिए। दोहरी मार ऐसे दी है कि आज आप अपनी फसल के लिए दिन में काम करते हैं और उस फसल को बचाने के लिए रात को चौकीदार बन जाते हैं। दोहरी मार ऐसे दी है कि इस बची हुई फसल को जब लेकर के बाजार में जाते हैं तो वो फसल सड़ जाती है, आप खुद जलाने को विवश हो जाते हैं, लेकिन ये प्रशासन उसको खरीदना नहीं चाहता है। ये दोहरी मार ऐसे हो गई है कि आपकी जमीन को ही लेकर के उस पे हाईवे बनाने के काम कर दिए हैं, उस पे टोल लगा दिए हैं और जिन चमचमाती फर्राटा भरने वाली सड़कों को आपको दिखा करके आपका वोट ले रहे हैं, उस पे चलने की औकात तक नहीं रहने दिए आपने। उन सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं वो BMW है, मर्सिडीज है, क्या उसको खरीदने का सामर्थ्य आपकी जेब में है? उसको खरीदने का सामर्थ्य आपका जेब में नहीं है। आपकी तो बग्गी आपके खेतों में चलने वाला ट्रैक्टर है। और ये सरकार इतनी दरिया दिल है, ये सरकार किसानों के बारे में इतना सोचती है कि हमारा एकमात्र वाहन जो हमारे सुख दुख का साथी है, हमारा ट्रैक्टर, उस पे भी सरकार की कृपा दृष्टि है। 28% GST को घटा करके 18% GST हमको उनके बीच में लाके खड़ा कर दिया है जो BMW पे